पर में दर्ज है, बोला देख ले और कोई दिक्कत हुई तो फिर से मोर से मिल ले, बात कर ले, बोला मैं निपटा दूं। दिक्कत हावे तबे तो लगाए हैं, जल्दी जल्दी बोलो तो साय साय दी। अरे है भाई, पूरी जानकारी मैं रख दूंगा। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुत ही कम ही मौका होता है जब विधायक और मंत्री दोनों ही छत्तीसगढ़ी में सवाल करें और जवाब दें। आज ये विधानसभा में देखने को मिला, कांग्रेस विधायक चातुरी ने आज छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछा और मंत्री रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ी में उत्तर दिया, जो बहुत ही मजेदार बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए। तो आप भी जरूर देखिए इस वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ी में जो विधायक सवाल पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो मंत्री जवाब दे रहे हैं, उनका भी इस वीडियो के माध्यम से उनका भी प्रचार हो, उनका भी ये सम्मान उनको बढ़ सके, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछा है विधायक ने और छत्तीसगढ़ी में मंत्री ने जवाब भी दिया है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और देखिए इस वीडियो को किस तरह से छत्तीसगढ़ी में सवाल पूछा गया है और छत्तीसगढ़ी में मंत्री ने जवाब दिया भी है। मैं आदिम जाति विकास मंत्री महोदय से ये पूछना चाहा था कि महासमुंद जिले में पिछले 3 वर्ष और वर्तमान वित्तीय दिनांक 10/1/2024 तक पीड़ित क्षतिपूर्ति के तहत कक्की पीड़ित मल्ला कक्की राशि आवंटित करे गए है, वर्षवार हितग्राही के नाम सहित जानकारी बताएं। चलिए जवाब छत्तीसगढ़ी में दिया। अध्यक्ष महोदय हिंदी बोलना है, आप हिंदी छत्तीसगढ़ी की जो भी आपको पसंद है बोल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निस्फिकर हो एकर में ए बढ़िया से तय देख ले, एकर परिशिष्ट में पूरे नाम सहित ओकर में दर्ज है, बोला देख ले और कोई दिक्कत हुई तो फिर से बोलते मिल ले, बात कर, बोला मैं निपटा दे। दिक्कत हावे तबे तो लगाए हैं, दिक्कत हावे तबे लगाए हैं। चलिए एक मिनट, प्रश्न करिए आप। उल्लेखित अवधि के दौरान कक्की प्रकरण का कारण से लंबित है, वर्षवार हितग्राही के नाम सहित जानकारी बता। जल्दी जल्दी बोलो तो साय साय दी। अरे है भाई, पूरी जानकारी मैं रख दूंगा, और कोई विशेष किसी का नाम बचा है माननीय अध्यक्ष महोदय तो दे दें, मेरे पास पूरी जानकारी है कि किन किन कारणों से है। कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो बता दीजिए। ये माँ ऐसे लड़का मन है जे मन के प्रथम किस्त तो मिले है, लेकिन द्वितीय किस्त अभी तक के मिल नहीं पाए है। जैसे एक लड़का है झरना दास, ये बसना ब्लॉक के लड़का है और ये पास्को एक्ट लगे हिस्से के ऊपर, ये लड़का ला पहली किस्त मिले है लेकिन एक दूसरा किस्त अभी तक के जमा नहीं हुई है, आवेदन करे के बाद। चलिए दिखवा लीजिए इसको। ठीक है के दिखा के मैं दिलवाए दे हूं। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, मिलाएंगे उनको बता दीजिए कब तक वाला मिल जाएगी, ये मैं जानना चाहता हूँ कब तक मिलेगा बता दीजिए अति शीघ्र। चलिए श्री आशाराम नेताम जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष आशाराम नेताम जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ आपका प्रश्न, हाँ करिए करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पीड़ित क्षतिपूर्ति है ये कतकी दिन में दे के शासन के आदेश है, ये में निराकरण कतकी दिन में होना चाहिए और ये निराकरण हर अतका लंबा कहाँ पर जात है, एकर में जानकारी चाहता हूँ। अब अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग धारा, अलग अलग जो संगीन जो अपराध है उसके तहत प्रकरण दर्ज होते हैं, दर्ज होने के बाद उसकी तफ्तीश होती है और न्यायालय तक जाता है, उसके अलग अलग केस के आधार पर उन्हें जैसे अलग किसी को सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए उसके लिए अलग से है प्रथम सूचना रिपोर्ट पर 25% देते हैं, न्यायालय आरोप पत्र भेजा जाता है तो 50% देते हैं, फिर न्यायालय अभिमुख अगर न्यायालय से वो दोष सिद्ध होता है तो उसे फिर से 25% दिया जाता है, तो अलग अलग अपराध के आधार पर उन्हें निर्धारित है उसके तहत जो है दिया जाता है। अगर इस प्रश्नकाल समाप्त, कृपया बैठिए।